होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो गृह अधिन्यास हम दे रहे हैं विद्यार्थियों को, उसे और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है तथा उसे प्रभावशाली बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात गृह अधिन्यास को और अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली बनाने के लिए हम कौन कौन से तरीकों को अपनाना चाहिए। तो प्रभावशाली कठिन नहीं होना चाहिए, अर्थात जो अधिन्यास हम दे रहे हैं वह विद्यार्थियों के पाठ के अनुसार होना चाहिए तथा अधिक कठिन नहीं होना चाहिए। गृह कार्य कठिन नहीं होना चाहिए बल्कि बांटना चाहिए, अर्थात ना तो वह ज्यादा लंबे हो और ना ही ज्यादा छोटे हो। गृह कार्य पाठ के अनुसार होने चाहिए, अर्थात ना तो ज्यादा छोटा। ठीक है, अब देखिए जो भी गृह कार्य हम विद्यार्थियों को दे रहे हैं
छठी में मिलेगा, सातवीं में, आठवीं में, नौवीं में और दसवीं में भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कक्षा पाँचवीं के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं तो आप उन्हें दसवीं कक्षा का जो है वो क्वेश्चन नहीं करवा सकते। अर्थात जो भी गृह कार्य आप विद्यार्थियों को देते हैं वो उनकी कक्षा स्तर और उनकी योग्यता को ध्यान में रख करके देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पाँचवीं कक्षा में लाभानी पढ़ा रहे हैं और आप उन्हें सातवीं कक्षा का क्वेश्चन पकड़ा रहे हैं, या फिर आप सातवीं कक्षा में उन्हें लाभानी पढ़ा रहे हैं और पाँचवीं कक्षा का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी को गृह कार्य करने के लिए दे रहे हैं वह गृह कार्य विद्यार्थियों की योग्यता तथा उनकी मानसिक स्थिति और उनके कक्षा स्तर को ध्यान में रख करके दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि गृह कार्य करने में आने वाली समस्याओं का समाधान